यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत आज केंद्रीय कारामंडल डाल्टनगंज में जेल अदालत लगाया गया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन सीजेएम संजय कुमार चौधरी, प्राधिकार सचिव प्रफुल्ल कुमार व न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान दो बंदियों का वाद का निष्पादन किया गया। मौके पर सीजेएम श्री चौधरी ने कहा कि प्राधिकार विशेष ओकेजन पर जेल अदालत लगाकर छोटी छोटी घटनाओं में लंबे समय से कारामंडल में रह रहे हैं। वैसे कैदी जिनका चाल चलन ठीक रहता है वैसे लोगों को प्राधिकार के माध्यम से रिहा किया जाता है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये मंशा है, ये वर्दिक्ट है जिसके तहत नालसा हालसा और जालसा का गठन किया गया है कि जस्टिस एट द डोर ऑफ ऑल द पर्संस हु नीड्स जस्टिस। इसी के तत्वाधान में हर एक महीना मंथली लोक अदालत होता है, हर एक महीना जेल अदालत होता है। विशेष विशिष्ट तारीखों को भी जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर भी 26 जनवरी 15 अगस्त जेल अदालत का आयोजन किया जाता है। जेल आयोजन का जो आयोजन किया जाता है इसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग यहाँ केस डिस्पोजल करने वसूली नहीं आते। उद्देश्य यही होता है कि छोटे छोटे वादों में जो कि अभियुक्त किसी कारणवश एक बार गलती कर देता है या उसी समय में एक दो बार गलती कर देता है कुछ लिमिटेड पीरियड में, वैसे अपराधी को अगर ये लगता है कि उसमें सुधार होने की प्रवृत्ति है, उसमें सुधार किया जा सकता है, तो उसको बिताए हुए अवधि तक ही सजा दे करके जेल से हम लोग उसी दिन रिहा कर दिया जाता है। यही मैसेज यही है।